नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। पश्चिम मध्य रेल इकाई जबलपुर के क्षेत्र अंतर्गत प्लेटफार्म व चलित ट्रेनों आउटसरों में यात्रियों के साथ हो रही चोरी व लूट की घटनाओं की रोकथाम एवं पतासाजी सुश्री अरुणा वाहन ने श्रीमाला प्रसाद पुलिस अधीक्षक रेल जबलपुर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसरार मंसूरी लोकेश कुमार को उप पुलिस अधीक्षक रेल जबलपुर के द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन में उप पुलिस अधीक्षक रेल कटनी सारिका पांडेय के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत दिनांक 14 अक्टूबर 2023 को जीआरपी एवं जीआरपी कटनी स्टाफ द्वारा स्टेशन कटनी व आउटसोर पर गश्त के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति सुमित निषाद उर्फ गुड़ाखू पिता सुनील निषाद उम्र 20 वर्ष निवासी राजेंद्र किराना के पास वैकेंट वार्ड नंबर 3 थाना कोतवाली जिला कटनी मध्य प्रदेश का मिला, जिसे थाना लाकर पूछताछ की गई, जो अलग अलग ट्रेन व प्लेटफॉर्म से 6 चोरियों को अंजाम देना स्वीकार किया, जिसमें से 1200 रुपये नगद आरोपी के कब्जे से जब्त किए हैं। इस प्रकार आरोपी द्वारा थाना हाजा के कुल 6 अपराध घटित करना व उनसे संबंधित मशरूका कुल कीमती 1,62,600 रुपये का बरामद किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। इस कार्य में लगे स्टाफ को पुलिस अधीक्षक रेल द्वारा नगद इनाम से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। कटनी से राजेश केवट की रिपोर्ट। कटनी आउटर स्टेशन से संदेही को पकड़ा गया था दिनांक 14/10 को चेकिंग पेट्रोलिंग के दौरान। तो उससे पूछताछ पे हमें पता चला कि इन्होंने दिनांक 17/5/2023 को सिंगरौली भोपाल एक्सप्रेस में सफ़र कर रही श्रीमती शिवांगी गुप्ता, जो भोपाल की निवासी है, उनके साथ में पर्स लूट की घटना की थी। उससे पूछताछ पे आरोपी से हमें में जो है लूट किया गया मसरूका एक कान के टॉर्च, चैन और नकदी हुए बरामद हुए। इसी तरह जो संदेही जो है सुनील, उसका दूसरा नाम गुड़ाकू है, ये जो वार्ड नंबर 3 किरणी फाटक थाना चौपाली क्षेत्र का निवासी है, उससे और पूछताछ की गई। सघन पूछताछ के दौरान उन्होंने 6 घटना को करना स्वीकार किया, जिसके कब्जे से एक और मामले में सोने की चैन बरामद की गई है और बाकी और मामले में नकदी बरामद किए गए हैं। इस तरह 1,26,200 रुपये का मसरूका जब्त किया गया है आरोपी के कब्जे से। क्या इनके ऊपर और भी कोई बता दी, इस पे इनाम वगैरह भी घोषित रहा आपने जिस तरह बताया? हाँ, ये पूर्व का आदतन अपराधी है। इसके ऊपर सिटी कोतवाली में और जीआरपी में भी पूर्व में 3 मामले रिकॉर्ड बने हुए।